तगाराम जी, बी डी शर्मा साहब। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि किसान की इनकम बढ़ाना और किसान को आत्मनिर्भर बनाना, उस दिशा के अंदर ये जरूर काम करेगा और किसान की इनकम बढ़ेगी। किस तरह से आप इनको जानकारी दे रहे हैं, आप फिर यहाँ पहुँचे हैं, मेले का निरीक्षण भी आपने किया है, किस तरह की ऐसी जो तकनीक है जो किसानों तक पहुँचनी चाहिए जो नहीं पहुँच पा रही? देखो, देश के अंदर मसाले का बड़ा महत्व है और आज एक्सपोर्ट की दुनिया में भी मसाले का बहुत अच्छा योगदान है कृषि के अंदर। और विश्व में अगर सबसे ज़्यादा मसाला कोई किसी में पैदा होता है मसाला, तो जिसमें चाहे धनिया हो, मिसली मिर्ची हो, या सौंफ हो, या ऐसे जो मसाले हैं, ये सारे उसमें हिंदुस्तान का आज विश्व के अंदर एक नंबर पे स्थान है। तो यहाँ के किसानों को इसका लाभ मिले, इस दृष्टि से भारत सरकार की कई स्कीम है और इस स्कीम के तहत यहाँ पर इस मेले में आए, तो मैं सोचता हूँ कि इस मेले का लाभ लेंगे और किसान अपने खेत में उसका उपयोग करेंगे और नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि हमें नई तकनीकी को अपनाना होगा, वर्ल्ड स्तर पर हमारी फसल को किस तरह से ले जा सकते हैं, और प्राकृतिक खेती को हमें बढ़ावा देने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्ल्ड स्तर पर अगर हम ले जाकर उनको अगर एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, तो उसमें जो डिजीज़ आती है या जो तकनीकी या टेक्निकली प्रॉब्लम आती है, उसका समाधान एक ही है कि हम प्राकृतिक खेती करें। और प्राकृतिक खेती की आज विश्व भर में डिमांड है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा में काम कर रहा है। और कृषि के अंदर इसीलिए बजट भी बढ़ाया है, पहले कृषि का बजट बहुत कम होता था, 2013 तक तो कृषि का बजट ही टोटल सिर्फ 22 या 23 हज़ार करोड़ रुपए था, जो आज 1,32,000 करोड़ रुपए हैं, जो आज उनके समय से 6 गुना अधिक है। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले समय के अंदर कृषि के अंदर हमें आत्मनिर्भर बनाना है, और जो युवा नौकरी की तलाश में दूसरी जगह जा रहे हैं, तो नौकरी को तलाश में न जाकर अपने ही खेत में वो अपनी खुद की प्रोसेसिंग भी करे, पैकेजिंग भी करे, और वैल्यू एडिशन करके अपनी फसल को मार्केट में जहाँ अच्छी दाम मिले वहाँ पर बेचे। इस दिशा के अंदर आज इस मेले के अंदर भी कई हमारे युवा साथी है, एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने स्टार्टअप है, उन्होंने यहाँ लाकर प्रदर्शनी में के अंदर वो करके दिखाया है कि हम किस तरह से इसकी वैल्यू एडिट कर सकते हैं। आज बाजरा है, बाजरे से हम सिर्फ बाजार के अंदर तो बाजरा 15 या 16 रुपये किलो के अंदर बेचते हैं, लेकिन वही अगर कुरकुरा बन जाता है, या बाजरे से बिस्किट बन जाता है, बाजरे से चॉकलेट बनती है, तो उससे उसकी वैल्यू एडिशन होती है और उससे उसको रेट अधिक मिलती है। तो इस दिशा के अंदर यहाँ पर कई स्टार्टअप आए हैं, जिसका यहाँ पर मेले के अंदर लोग देखेंगे। और मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी का विजन है, और उस विजन के अंदर हम सब यही चाहते हैं कि किसान आत्मनिर्भर बनेगा, तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। स्टार्टअप के लिए क्या योजनाएं सरकार की जाएगी? मैंने कहा ना, स्टार्टअप में उस योजनाओं को अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र में, चाहे वो मैकेनिज्म हो या टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हो, या अपनी फसल को वो वैल्यू एडेड करके बेचे, या हॉर्टिकल्चर के अंदर भी कर सकते हैं, जैसा कि पॉली हाउस है, या जैसे हाइड्रोपोनिक्स है, एरोपोनिक्स है, इस तरह से कई तरह की जो है उसका उपयोग करेंगे। तो इसके लिए भारत सरकार का बजट का भी प्रावधान है, और 1,00,000 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान है, जिसमें किसान को 3% की ब्याज की छूट के ऊपर 2 करोड़ रुपए तक देने का प्रावधान किया गया है। तो ये सारी जो योजना है, इसको लेकर मुझे लगता है कि धरातल पर जब उतरेगी, और इसके लिए प्रयासरत हैं हम, और जल्दी हम सफल होंगे और देश के किसान को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। 4 राज्यों में सर एक बार फिर कामयाबी मिलने वाली है। बीजीय मसाला अनुसंधान जो संस्थान है अजमेर में, इसमें जो मसाले के जो हमारी वैरायटी है, जितने भी उत्पाद हैं, उनके ऊपर रिसर्च होता है, और रिसर्च के बाद में किसान के खेत तक पहुंचे, इसके ऊपर भारत सरकार काम कर रही है। और जैसा कि बीज से बाज़ार तक की भी सरकार काम कर रही है, तो इस दिशा के अंदर निश्चित रूप से ये मेला है, इस मेले के अंदर किसान आए हैं, और किसान इस मेले के अंदर जो हमारी नई वैरायटी है, नई जो तकनीकी है, उसको समझते हैं, और समझने के बाद में खेत में जाकर काम करते हैं। और इसके साथ ही सरकार की कई ऐसी स्कीम्स हैं जिससे वो उस योजना का लाभ लेते हैं, और लेने से निश्चित रूप से मुझे लगता है कि किसानों को लाभ होता है। और प्रधानमंत्री ने इसीलिए कहा है कि आने वाले समय में किसान की इनकम को बढ़ाना है, और इस दृष्टि से कई योजना भी प्रारंभ की है, और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर किसान को ये जो मेला है ये एक दिशा देगा। और प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है
कि किसान की इनकम बढ़ाना और किसान को आत्मनिर्भर बनाना, उस दिशा के अंदर ये जरूर काम करेगा और किसान की इनकम बढ़ेगी। किस तरह से आप इनको जानकारी दे रहे हैं, आपकी तरफ से कोई राहत मिलेगी? निश्चित रूप से बहुत ही खुशी का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश की जनता ने विश्वास जताया और ये जीत है, ये विकास की जीत है। जो लोग कहा करते थे कि जातिवाद या जाति को महत्व देते थे, लेकिन जनता ने सबको दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी जी के विकास को महत्व दिया और उसी का परिणाम है कि आज प्रचंड बहुमत के साथ में 5 राज्यों में चुनाव थे, जहां पर 4 राज्यों के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की बनी है। तो इसके लिए मैं जहाँ प्रदेशों में चुनाव थे वहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रधानमंत्री जी को भी मैं आभार प्रकट करूँगा कि उनकी वजह से देश का विकास हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो रहा है, किसान आत्मनिर्भर बन रहा है। तो ये आज उसी का परिणाम है कि यहाँ पर आने वाले ये 2023 में और 24 में जो चुनाव होंगे उसकी आधारशिला जो है अब रख दी गई। मैंने कहा ना कि हमारी जो स्कीम्स है वो स्कीम्स जो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर हमने लक्ष्य लिया है कि किसान की इनकम बढ़े, इसके लिए बजट का भी बढ़ाने का प्रावधान किया है। 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं, प्रत्येक ब्लॉक के ऊपर FPO बनेगा और साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का धरातल पर उपयोग होगा, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा और इसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है और उसके लिए हम लगातार राज्यों को इसके लिए कह रहे हैं और निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है जो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो हमने संकल्प लिए उनको हम समय अवधि के अंदर निश्चित रूप से पूरा करेंगे।